G7 प्राइम है सैमसंग का, हाँ पिन लगा हुआ है। अच्छा, और ये हम लोग ना टेस्ट के लिए कर रहे हैं कि बिना डाटा लॉस इसका ना पैटर्न निकालेंगे, पैटर्न निकले या पिन निकले कुछ भी, हाँ। हम इसको निकाल सकते हैं बिना डाटा के। क्या इसमें कोई एंड्रॉइड का वर्जन, कौन कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन काम कर सकता है? 5 to 8 तक निकाल सकते हो? अरे वेरी गुड। तो इसमें और कोई सा भी मोबाइल का? सो यही आप सैमसंग का, तो इसमें एक बार दिखा दो OEM क्या इसमें प्रोटेक्शन हटाना पड़ता है क्या? या ADB ऑन बिना रूट के भी निकल जाएगा? बिना रूट के एक बार दिखा दो सेटिंग पे ले जाके, जरा हम वीडियो में अच्छे से दिखा तो दिखा दीजिए यहाँ पर। लॉक हट गया है, लेकिन जो अपने मैसेज और कॉन्टेक्ट जो है, देखिए जो पिन डाला था हमने, और इससे पहले अपना पैटर्न भी हटाया सवेरे, तो मतलब पिन भी हट सकता है और पैटर्न भी हट सकता है। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये भी है और हमारा वॉलपेपर भी है। सबसे बड़ी बात तो वॉलपेपर ही शो कर रहा है जो यहाँ पर देखिए, ये वॉलपेपर है मेरे पुराने स्टूडेंट के साथ में। सो सबसे ज्यादा ये वॉलपेपर ही शो कर रहा है कि हमारा डाटा बच गया है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में एक स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? गुलाब नाम है। गुलाब, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। आज आप क्या बताने वाले हैं? सर हम बता रहे हैं आज ये G7 प्राइम है सैमसंग का, हाँ पिन लगा हुआ है। अच्छा, और ये हम लोग ना टेस्ट के लिए कर रहे हैं कि बिना डाटा लॉस इसका ना पैटर्न निकालेंगे, पैटर्न निकले या पिन निकले कुछ भी, हाँ। हम इसको निकाल सकते हैं बिना डाटा के। क्या इसमें कोई एंड्रॉइड का वर्जन, कौन कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन काम कर सकता है? 5 to 8 तक निकाल सकते हो? अरे वेरी गुड। तो इसमें और कोई सा भी मोबाइल का? सो यही आप सैमसंग का, तो इसमें एक बार दिखा दो OEM क्या इसमें प्रोटेक्शन हटाना पड़ता है क्या? या ADB ऑन बिना रूट के भी निकल जाएगा? बिना रूट के एक बार दिखा दो सेटिंग पे ले जाके, जरा हम वीडियो में अच्छे से दिखा दीजिए कि हमने यहाँ पर, नहीं तो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इनका 555 है यहाँ पर, नहीं वो दबा दिखाइए, जरा सेटिंग पे ले जाके दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या है। फोन को सीधा रखे तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि डेवलपर ऑप्शन, देखिए हमारा डेवलपर ऑप्शन बंद है, ऑफ है, ठीक है। और डाटा के रूप में हमारा ये वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉलपेपर रखा है, और मैसेज सेंड किए हैं, मैसेज देखते हैं मैसेज सेंड है कि नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दो कोई नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दो सर। देखो इसमें एक होली करके कॉन्टेक्ट, होली पे टच करो, उसका नंबर भी एक हमने डाल के रखा हुआ है और ये फोन पे हमने सेव किया हुआ है। यस सर। सो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई पेड फाइल की जरूरत है कि क्या है? नहीं सर, एक फाइल जो हमने बनाई है, मतलब आप बना सकते हैं। सो वो फाइल आप किसी भी मोबाइल के बना सकते हैं। सो वो फाइल आप क्या YouTube में दिखाएंगे या उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर अगर वो फाइल बनाना सीखना है तो आपको एसे टेलीकॉम आना पड़ेगा और तभी आप वो सीख पाएंगे। सो अभी आप डायरेक्ट वो फाइल पे ले जाकर उस फाइल को किस मोड से फ्लैश करेंगे? सर फ्लैश मोड डाउनलोड मोड से, ओडिन से। सो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको फ्लैश कर देंगे तो इसका पैटर्न भी हट जाएगा या जो भी है, और डाटा भी बच जाएगा और ये ओडियो तक काम करेगा किसी भी मोबाइल में। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। हाँ बताइए। तो ये हमारी फाइल जो बना रहे थे पैटर्न लॉक, ये आपने बना ली है? यस सर। अच्छा, मुझे ये फाइल क्या हमने पेड ग्रुप से निकाली है? क्या पेड ग्रुप से नहीं निकाली, ये हमने बनाई है। ये मतलब हम जरूर, अच्छा इसमें लिखा हुआ है G7 प्राइम, तो क्या ये G7 प्राइम पे चलेगी ये वाली फाइल? G7 ये वाली G7 प्राइम पे। अगर मेरे पास कोई G7 प्राइम 2 आ गया तो फिर क्या होगा? दूसरी बना देंगे। और इसके आगे जो लिखा होगा इंडिया नंबर 1, वो क्या है? एसे टेलीकॉम है। चलिए ठीक है, बताइए कि ये फाइल को हम किससे फ्लैश करें? तो ओडिन हम खोलेंगे, ई में जाओ, हाँ वही मोबाइल फ्लैश फाइल में जाओ, सैमसंग में, ठीक है, और यहाँ ओडिन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है मोहम्मद सर? डाउनलोडिंग मोड पे ला रहे हैं सर फोन को, डाउनलोडिंग मोड पे ला रहे हैं। पहले दिखा दो। तो देखिए यहाँ पर फोन को, खड़े हो जाओ सामने, फोन डाउनलोडिंग मोड पे, हाँ
और अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं okay. तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, अब ओडिन में सोनी हो रहा है तो ओडिन बंद करके वापस चालू करो। तो अब सर जो आप क्या करेंगे, जो बनी हुई फाइल है ना उसको सेलेक्ट करेंगे एपी पे। हाँ ये फाइल बनी है और उसको हम फ्लैश आकर के कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम फाइल चल रही है। सो इस फाइल को बनाने के लिए आपको बेसिकली किस फाइलों की जरूरत पड़ती है तो बता दीजिए, थोड़ा हिंट दे दीजिए। इसमें सैमसंग के स्टॉक रूम की जरूरत पड़ती है, मतलब इसको फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ती है, फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक कस्टमर का डाटा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। और क्योंकि मैंने एक वीडियो कल डाला था उसका सेकेंड पार्ट वीडियो मैं अब कल डालूंगा दोस्तों, उसका सेकेंड पार्ट भी बचा हुआ जहाँ पर मैंने इन्हीं स्टूडेंट ने बेताबी से मतलब बेखौफ कितने सारे सवालों के जवाब दिए। तो अभी सैमसंग में अपन काम कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एमआई में और एमडीके में, एमडीके में भी कॉलकॉम में कर सकते हैं। और चलिए और सोनी का मोबाइल फ्लैश कर सकते हो और एलजी का मोबाइल, एलजी में कौन सी फाइल आती है बताओ, KDZ। एलजी में कौन सी फाइल आती है, KDZ। सोनी में कौन सी फाइल आती है, सोनी में कौन सी फाइल आती है, FTF फाइल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम फाइल चल रहा है दोस्तों। तो ये अब तक आपने ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा होगा, ये पहला वीडियो है जो एक एंड्रॉइड 7 वर्जन पर बिना डाटा को डिलीट किए हुए पैटर्न को बाईपास कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और ये भी कि वो एंड्रॉइड 8 तक कर सकते हैं और कोई पेड फाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, ना रूट की जरूरत है, मतलब आप रिक्स के भी बच गए आप, है ना, वारंटी भी बनी रहेगी मतलब। सर देखिए पास हो गया, लो भाई हाथ में पकड़ो मोबाइल, दरून को दे दो। सर देखो हाथ में पकड़े रहो, तो अब यहाँ पर ये हो गया है। सर देखिए दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर रनिंग में चालू हैं, कुछ भी यहाँ पर एडिट नहीं है, कट नहीं है। सो फोन हमारा चालू होगा कंप्लीटली। सो आ जाइए ऐसे थोड़ा स्टूडेंट के साथ, बिल्कुल सर देखिए फोन हमारा चालू हो गया है। तो दिखा दीजिए यहाँ पर लॉक हट गया है, लेकिन जो अपने मैसेज और कांटेक्ट जो है, देखिए जो पिन डाला था हमने, और इससे पहले अपना पैटर्न भी हटाया सवेरे, तो मतलब पिन भी हट सकता है और पैटर्न भी हट सकता है। यहाँ पर देखिए कांटेक्ट नंबर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये भी है और हमारा वॉलपेपर भी है। सबसे बड़ी बात तो वॉलपेपर ही शो कर रहा है जो यहाँ पर देखिए, ये वॉलपेपर है मेरे पुराने स्टूडेंट के साथ में। सो सबसे ज्यादा ये वॉलपेपर ही शो कर रहा है कि हमारा डाटा बच गया है कस्टमर का, क्योंकि सर हाँ अगर ये गैलरी भी देखिए, गैलरी में आपके बचा हुआ है। सो यहाँ हम सैमसंग के कोई सा भी मोबाइल हो, J8 हो, J9 हो, कोई सा भी 7, 8 तक हम अपनी 5 to 8 हम अपना क्या निकाल सकते हैं, डाटा। ये आप सभी को आता है कि सिर्फ इनको आता है, सबको आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो मैं एक बार कि अगर ये फाइल कैसे बनाते हैं, लोग पूछोगे सर हमको भी बता दो, हमको भी बता दो, तो कैसे उनको सीखना है, अगर वो सर अगर उनको बनाना सीखना है तो एशिया टेलीकॉम आना, एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है, कंपलसरी है सर, सारी चीजें यूट्यूब में नहीं मिलती हैं। और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए। और क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर यहाँ कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा सर, हम 5-7 साल से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक्चुअल में हम जो कर रहे थे वो 20-30% था, पूरे 100% यहाँ से बन के ही जाएंगे, बन के जाएंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो
इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते, वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे, ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, इसलिए टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में आओगे आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा, ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं, अच्छा। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, तो इसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट का बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? अनाउंसिंग 1001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.